नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर जिले में कोरोना का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज सुबह फिर 53 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इन रोगियों के मकानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच गई है। सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरडा ने और पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए वह विभागों तथा गाँवों में भी अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा श्री गंगानगर जिले को बंद करने का आह्वान किया गया था। इसको लेकर जिले की विभिन्न मंडियां मिली जुली बंद रही। इसका असर ज्यादातर जिला मुख्यालय पर देखने को मिला। विभिन्न समाज तथा संगठनों के लोग आज सुबह ही गोल बाजार में इकट्ठे हो गए थे। बंद के आह्वान को लेकर पुलिस प्रशासन ने जिले में कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। मुख्य मार्गों के अलावा चिन्हित किए गए स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा था। आह्वान को लेकर कल शाम को सर्व समाज की बैठक हुई थी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 2020 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने 100 से अधिक याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने बीडीएस, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, आयुर्वेद कंपाउंडर अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एसपी शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। वहीं सीएचओ प्रमाण पत्र धारियों की याचिकाओं पर अलग सुनवाई होगी। प्रकृति का विधान है, जहां मृत्यु होती है वहीं जन्म भी होता है, ऐसा ही वाक्य बीकानेर के पीबीएम में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर के पास सड़क हादसे में पूगल थाना प्रभारी महावीर प्रसाद सहित कांस्टेबल काशीराम जाट की मौत हो गई थी। काशीराम के शव को पीबीएम की मोर्चरी में रखवाया था। वहीं प्रसव पीड़ा होने पर इसकी पत्नी को पीबीएम में भर्ती करवाया था। काशीराम के पोस्टमार्टम के समय ही उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में बांध में 2 नाबालिग डूब गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि यह घटना पूरा पाटोर मार्ग स्थित बांध की है। पुलिस ने एक बालक को बांध से बाहर निकाला। बालक को चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि पुलिस दूसरे बालक की तलाश कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित समाज कल्याण सप्ताह कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को गोल बाजार गांधी चौक पर स्थापित गांधी जी की प्रतिमा पर श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने माल्य अर्पण किया। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद जाखड़ सहित सभी अधिकारियों और नागरिकों ने माल्य अर्पण किया तथा गांधी जी के जीवन दर्शन पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन किया। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र के लखारा चौक के पास एक मकान के करीब 15 लाख की हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चंद घंटों बाद ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि लखारा चौक के पास मानक चंद शर्मा के मकान में 8 लाख रुपए नगद और 8 लाख के ही जेवरात चोरी हो गए थे। पुलिस ने मामले में मानक चंद के 24 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि सुनील कुमार के काफ़ी कर्जा है, इसी कर्जे को चुकाने की नीयत से ही चोरी की वारदात की कहानी रची थी। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र की 31 पंचायतों में सरपंच व 309 वार्ड पंच पदों के लिए तथा घड़साना के 2 पंचायतों में सरपंच व 24 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए कल 3 अक्टूबर को मतदान होगा। एडीएम ने चुनाव प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पंचायती राज आम चुनाव 2020 के दौरान पंचायत समिति के चुनाव का कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में करवाना प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व है। आज ट्रेनिंग के बाद जिला मुख्यालय से श्री गुरु नानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय से मतदान दलों की रवानगी की गई। श्रीगंगानगर जिले के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 2 युवकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक दोनों गहरे दोस्त और एक ही मोहल्ले के निवासी थे। जवाहरनगर थाना पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय लक्की और 22 वर्षीय राधेश्याम नामक युवक की मौत हो गई। यह दोनों रविदास नगर के निवासी हैं। थाना प्रभारी राजेश सियाग ने बताया कि दोनों ही सुबह 5 बजे मौसम विभाग के पास बेहोशी की हालत में पड़े मिले थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
श्री गंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में एक महिला की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मृतका एक कांग्रेसी नेता की पुत्र वधु बताई जा रही है। थाना प्रभारी राजेश सियाग ने बताया कि जवाहरनगर निवासी अशोक कुमार की पत्नी शालिनी ने कल शाम को घर में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतका के पति अशोक ने बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में नरमा चुगाई करने ट्रैक्टर पर खेत जा रही एक बालिका की ट्रॉली से गिरने पर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 12 वर्षीय सुलोचना देवी नामक किशोरी अपने परिवार के साथ ट्रॉली में सवार होकर दोजी की ओर जा रही थी। उसी दौरान साहूवाला के नज़दीक सुलोचना चलती ट्रॉली से गिर गई थी जिससे उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के गांव गणेशगढ़ में अपने ननिहाल में आई हुई एक लड़की संदिग्ध हालत में लापता हो गई। यह लड़की घर से सोने चांदी के जेवरात और करीब 50,000 रुपये साथ ले गई। पुलिस ने बताया कि गणेशगढ़ गांव निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके दोहिते काफ़ी दिन पहले उनके पास आई हुई थी और घर से नकदी व जेवरात लेकर लापता हो गई। परिजनों ने कन्हैयालाल नामक युवक पर आरोप लगाया है कि यही उसके दोहिते को बहला फुसला कर भगा ले गया। पुलिस दोनों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।